हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्लेवर्स इन किचन बाय अंकिता। आज हम बनाने जा रहे हैं अलसा, अरीसा या अधी रसम इसको बोलते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक कप चावल लिया है, जिसे मैंने एक दो घंटे के लिए भिगाकर, पानी में भिगाकर अच्छे से पहले धो लिया है उसको, फिर पानी में मैंने भिगोकर थोड़ी देर एक से दो घंटे के लिए छोड़ा है। तो ये हमारा रेगुलर वो खाने वाला चावल मैंने यहाँ पे लिया है। तो इसको हम पहले छान कर और एक कपड़े, सूती कपड़े में इसको फैला देंगे। फैलाने के लिए आप एक सूती कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो आप पेपर पे भी इसको फैला सकते हैं, न्यूज़पेपर पे। और इसको 15 से 20 मिनट तक के लिए पंखे के नीचे ऐसे ही इसको सुखाना है। और ये देखिए, इतना सुखाना, बहुत ज़्यादा इसको नहीं सुखाना है हमें, ये इतना कि थोड़ा थोड़ा बस ऐसे हाथ में हमें लगे। और इसको फिर हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे और इसका पाउडर इस तरह से बना लेंगे। जब ये पाउडर बन जाएगा तो हम इसको अच्छे से एक छन्नी की हेल्प से इसे छान लेंगे, ताकि जो ज़्यादा हमारा रह गया है मोटा, जो इसमें पार्टिकल्स रह गए हैं, वो ऊपर छन्नी में ही रह जाएं। ये देखिए, छान के ये मैंने इसको निकाल लिया है। तो अभी इसमें मैंने 3/4 कप गुड़ लिया है। आप चाहें तो पाउडर गुड़ भी ले सकते हैं। 3/4 कप से यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ज़्यादा गुड़ लिया है, और आप चाहें तो पाउडर गुड़ ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने गुड़ की चक्की जो आती है उसे ही मैंने काट के 3/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। तो अभी मैं इसे एक कढ़ाई में डाल रही हूँ, जिसके साथ मैं 1/2 कप इसमें पानी डालूँगी। पानी, अभी इसमें मैंने पानी डाला। इसे हमें तेज आंच पे ही ऐसे गुड़ को इसमें हमें पिघलाना है। और ये देखिए, उबाल आना स्टार्ट हो गया है अभी गुड़ में। तो अभी हमें क्या करना है, इसको थोड़ा हम अभी सुखाएंगे, और जब तक कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तब तक हम इसको चलाएंगे। तो ये हमें मीडियम टू हाई फ्लेम में ही करना है, लो फ्लेम में ना करें, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा फिर। तो इसको अच्छे से ऐसे लगातार हम चलाएंगे, और धीरे धीरे आप देखेंगे ये सूखना स्टार्ट हो गया है। तो ये देखिए, सूखना स्टार्ट हो गया है। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लिया है मैं, उसमें अभी गुड़ की ना एक दो बूंद ऐसे डालूँगी। तो क्या होगा इससे कि हमें पता चलेगा कि ये देखिए, ये जमना स्टार्ट हो गया है ना। हाँ, तो ये क्या है कि ये जमकर ऐसे बॉल्स जैसे बन जाएंगे। ये देखिए, एक बॉल का शेप इसने ले लिया है। तो अगर पानी में अगर आप डालो तो ये अगर लिक्विड फैल जाता है, तो अभी हमें इसे मतलब थोड़ा और सुखाना है, और अगर नहीं तो फिर हमारा रेडी हो गया, अगर बॉल्स की तरफ हो जाता है तो। तो अभी हम इसे थोड़ा थोड़ा करके, जो हमने राइस का, जो चावल का जो पाउडर बनाया था, वो थोड़ा थोड़ा करके अब हम इस गुड़ के लिक्विड में हम ऐसे मिक्स करेंगे इसको, थोड़ा थोड़ा, एक बार में एक साथ पूरा नहीं डालना है हमें, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ताकि जो हमारा राइस पाउडर है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। थोड़ा थोड़ा करेंगे, और ये हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे ही करना है, वरना क्योंकि गुड़ हमारा अच्छे से रिड्यूस हो चुका है, वो फिर जल जाएगा अगर हम हाई फ्लेम में करेंगे तो। तो ये लो फ्लेम में ही हमें थोड़ा थोड़ा करके चावल का, ये आटा बोल लीजिए, तो ये चावल का आटा हमें धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है। यहाँ पे क्या है, यह मैंने राइस से किया है, आप चाहें तो आप चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा रेडीमेड चावल का आटा आता है पैकेट वाला, आप उससे भी बना सकते हैं, बट वो टेक्सचर आपका वो नहीं होगा जैसा इस ये होता है। अभी यहाँ पे मैं करीब 1/2 चम्मच मैंने डाला है इलायची पाउडर, और अभी हमें इसे अच्छे से चलाना है। अच्छे से हम चलाएंगे, ताकि जो हमारा पूरा जो चावल का जो पाउडर है वो मिक्स हो जाए गुड़ में। और यहाँ पे मैंने 3 से 4 चम्मच, खाने वाले चम्मच से 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ पे खोवा लिया है। तो अभी मैं ये खोवा भी इसमें मिक्स कर दूँगी। तो अभी गर्म में ही हमें इसको मिक्स करना है, हमारा वो फ्लेम वैसा ही लो रहेगा।
तो ताकि क्या होगा, जो पहले से जो खोआ हमने डाल बना कर रखा था मैंने, और गरम में ही डालेंगे तो वो खोआ अच्छे से पिघल जाएगा। तो अभी ये देखिए मिक्स हो चुका है हमारा सब कुछ बहुत अच्छे से, इसमें खोआ भी पिघल गया है और चावल का जो पाउडर था वो भी बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है गुड़ में। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक बोल में हम निकाल लेंगे। ये देखिए अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे वापस से, ये बहुत गर्म है तो मैं इसको पलटे से ही ऐसे मिक्स कर रही हूँ। और ये थोड़ा जब गर्म ही रहे तब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक चम्मच, एक छोटे चम्मच से घी डालनी है यहाँ पे। ये देखिए इसमें मैंने अभी गुड़, ये घी डाला है। अब हमें वापस से इसको मिक्स करना है, घी को ज़्यादा नहीं, आपको एक छोटा चम्मच घी डालना है इसमें और बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है। फिर अब ये देखिए इसको जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए, आटा जो बन के रेडी हुआ था थोड़ा जब ठंडा हो जाए तो हमें इसको इस तरह से, आटे से मैंने छोटी सी एक गोली ली है आटे की, और इस तरह से मैं इसको हाथ से इसे दबा रही हूँ। इसको हाथ से ही हल्के हल्के दबाकर हमें बनाना है। आप चाहें तो बेल भी सकते हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ना बेलें क्योंकि ये थोड़ा फट भी जा सकता है बहुत ज़्यादा पतला बेलने से। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसा हो गया है फ्लैट अब बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा हल्का सा इसमें पानी लगाया है ताकि हम इसके ऊपर तिल जो मैंने पहले से रखा है, तिल मैं इसके ऊपर ऐसे चिपका सकूं। और ये आटा जो है, या आटा आप स्टोर करके भी आप फ्रिज में रख सकते हैं कि एयर टाइट कंटेनर में, अगर आपको गरम गरम खाना है तो आप तुरंत ही इसको फ्राई कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसको फ्राई करके रख भी सकते हैं। आप ये बहुत 10 दिन तक तो कम से कम आराम से चलता है। तो अभी ये देखिए हमने एक कढ़ाई में तेल गरम किया है, आप घी या तेल आप अपने हिसाब से कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा घी गरम किया है, और अभी ये देखिए मैंने इसको इसमें डाला, और हमें इसको लो से मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसको फ्राई करना है। ये गोल्डन कलर हो गया है, तो जब भी हम फ्राई करेंगे इसको तो हमें ये ध्यान देना है कि जिस साइड हमने तिल चिपकाई है उस साइड को पहले हमें नीचे की तरफ से डालकर ऐसे उसको फ्राई करना है। ये देखिए इसका कलर बहुत अच्छा आ गया है। और गुड़ की वजह से ये बहुत जल्दी ऐसे ब्राउन भी हो गई है। ये देखिए इससे अभी मैंने टिश्यू पेपर पे निकाल लिया है, और वैसे ही मैंने बाकी भी सारे बना लिए हैं, और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची ये बनकर रेडी होते हैं। आप चाहें तो इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं एक एयर टाइट कंटेनर में, और चाहें तो इसको गरम भी खा सकते हैं। ये दोनों ही तरह से बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही डिलीशियस होते हैं। ये बारिश के दिन में आप इसका मज़ा बहुत ही अच्छा लगता है, ये इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। बाकी की सारी इंग्रेडिएंट्स की डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।